हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम नजीर और यार मेरा नाम है वजह। तो यार मतलब यूएई ने इंडिया को दिवाली का गिफ्ट दे डाला है और इंडिया रातों रात माला माल भी हो गया है और इंडिया के लिए यूएई ने बोला कि हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, मतलब ये क्या कौन सा गिफ्ट दिया है यार? यार ये तो नहीं पता, दिवाली तो आने वाली है, दिवाली करीब ही है बिल्कुल। और यूएई ने भाई ये बात बोल दी है कि भाई हम लोग मतलब के बोली क्या है, यूएई ने गिफ्ट भेजे दिवाली। अब देखते क्या सीन है, तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों कुछ समय पहले ही भारत और यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसके तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति भरी थी कि एक साथ मिलकर अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर देंगे। जिसके तहत एक काफी बड़ी बात भारत ने यह कही थी कि भारत अगले कुछ ही समय में यूएई से काफी बड़ी संख्या में गोल्ड यानी कि सोना खरीदेगा। अच्छा। जिसके बदले में यूएई भारत को ये सोना काफी डिस्काउंटेड दामों पर देने के लिए तैयार होगा। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत यूएई से 200 टन सोना आयात करने वाला है जिसे भारत के घरेलू बाजार में इस्तेमाल किया जाएगा। वही साथ ही इसके इस्तेमाल से भारत के गोल्ड रिजर्व में देखने को मिलेगा। विश्व का हर बैंक सोने को एक बेहद ही महत्वपूर्ण और स्टेबल एसेट मानता है। साथ ही भारत इस सोने का इस्तेमाल डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए भी करेगा। मौजूदा समय में ये सोना आ जाए तो डॉलर रुक जाता है, 7% सोना ही है। लेकिन जिस तरह से भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद कर रहा है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की मात्रा बढ़ती जा रही है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ सालों में भारत की कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने की संख्या 10 से लेकर 15% तक बढ़ सकती है, जो कि भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर के ऊपर और ज्यादा कम कर देगा। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी। सोना होगा उसमें ज्यादा होगा ना। पिछले 5 सालों में भारत के पास सोने की संख्या 36% बढ़ गई है और अब ये और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने की खरीद में जुटा हुआ है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों 200 टन सोना बेहद ही बड़ा आंकड़ा होता है। अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि भारत यूएई से जितना सोना खरीद रहा है वह आखिर में कितना है, तो आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत के पास 754.1 टन सोना मौजूद है। अच्छा। और जापान के पास लगभग 800 टन सोना है। वहीं पर ऐसे में भारत यूएई से 200 टन सोने की खरीद और कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के मामले में भारत जापान को पीछे कर देगा और भारत के पास गोल्ड रिजर्व लगभग 950 टन से भी ज्यादा के हो जाएंगे। हालांकि इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता, हर घर में जितना सोना मौजूद है अगर उसे भी भारत के गोल्ड रिजर्व के आंकड़ों में जोड़ दिया जाए तो विश्व के सारे देश एक तरफ और भारत के गोल्ड रिजर्व की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि भारत के हर घर में इतना सोना रखा हुआ है जिससे भारत विश्व का दुनिया का सोना भी रख दो जाएगा। साथ ही हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अभी भारत के लोगों ने इतना सोना रखा, सोने का बाजार काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। दोस्तों जैसे जैसे पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही विश्व के बड़े देश सोने की खरीद ज्यादा कर रहे हैं। भारत ने पिछले 5 सालों में अपने सोने की रिजर्व को 36% तक बढ़ा दिया है और अभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ 200 टन सोने की डील और कर ली है। वहीं पर इसके अलावा चीन ने भी 100 टन से ज्यादा सोना हाल ही में खरीदा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत और चीन जैसे देश लगातार अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोने के ऊपर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत यूएई से जो सोना खरीदेगा उसे गुजरात के गिफ्ट सिटी की सहायता से भारत के अंदर लाया जाएगा। दरअसल भारत ने गिफ्ट सिटी को ऐसे विकसित किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सोना, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर या फिर संवादित पदार्थ भारत के अंदर लाए जाएंगे उनका आयात करना आसान होगा। हालांकि भारत जिस तरीके से यूएई के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ा रहा है, बहुत जल्दी दोनों देशों का व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर ज्यादा हो जाएगा, दोनों देशों के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर से जब कुछ रिपोर्टर ने भारत के यूक्रेन को समर्थन और रूस से हथियार और तेल की खरीद को लेकर तीखे सवाल किए, तो इस बार डॉक्टर अजय शंकर ने काफी मुंहतोड़ जवाब दिया और अमेरिका को भी आड़े हाथों ले लिया। दरअसल डॉक्टर अजय शंकर ने अमेरिका का नाम लिए बिना पश्चिमी देश संघ को संबोधित करके कही कि शुरुआत में जब भारत को हथियारों की जरूरत थी तब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार नहीं दिए और भारत के खिलाफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो ये बात साफ पता चलती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र केवल नाम का है और अपने इतिहास के ज्यादातर समय पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर ही रहा। जब पश्चिमी देशों ने या फिर अमेरिका ने भारत को हथियार नहीं दिए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, इसीलिए भारत ने सोवियत यूनियन या फिर आज के रूस से मदद मांगी और रूस भारत के साथ हर तरह की साझेदारी
साझेदारी करने के लिए तैयार हुआ। पिछले कई दशकों से रूस ने न कि केवल भारत को अपने सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय हथियार दिए बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन भी भारत को दी। दोस्तों टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर अमेरिका आज तक भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने में हिचकिचाता है, जो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को सीमित कर देता है। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री के बयानों से ये साफ दिखता है कि भारत पश्चिमी देश और अमेरिका के ऊपर काफी टफ लाइन फिलहाल ले रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही भारत और यूएई की इस दोस्ती के लिए यार मतलब दिवाली का वाकया में बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे डाला, नहीं तो कोई देश किसी देश को इतना बड़ा सोने की मिकदार नहीं देता, वो भी रहती कीमत पर, वो भी कम कीमत पे, और 200 टन है भाई। वो किसी वो किसी, वो किसी वो देशों के पास तो मैं कहता हूँ 200 टन वो सपने पे देख रहे होते हैं कि ऐप होता है। पाकिस्तान के पास तो मैं कहता हूँ टोटल 200 टन हो गई नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि 100 टन भी नहीं होगा हमारे पास, होगा ना 10-15 टन या इससे कम हो सकता है। 200 टन को मुंह आकर गला एक खुदा के बंद है। इंडिया ने यूएई के साथ उस चीज का कर दिया, यूएई ने भी दे मतलब हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गए, एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, और 200 टन वो भी कम कीमत पर इंडिया के पास आने वाला है, और ये बहुत ही बड़ा दिवाली का गिफ्ट है यार। यकीन मानो तुम लोग एक और मामले में जापान को पछाड़ के उसे आगे निकल जाओगे, 950 टन हो जाएगा उसके पास, 800 टन है बिल्कुल। और अभी रिसेंटली इंडिया ने मेट्रो लाइन के सिलसिले में जापान को क्रॉस किया, बिल्कुल। और अब सोने के मामले में इंडिया भाई जापान को क्रॉस करने वाला रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, बिल्कुल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। मतलब इंडिया ने लगता है जापान को आड़े हाथों ले लिए कि जापान बच्चे तुझसे तो मैंने आगे निकलना। यार देखो चीन कितना बड़ा मुल्क है, उसने 100 टन लिया, इंडिया ने बोला ठहर हम 200 टन देते हैं। ये बहुत अच्छी बात, और यूएई ने दोस्ती निभाते हुए देखो ना यार मतलब इनकार भी नहीं किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुए में जल्दी फौरन भाई इंडिया के अंदर, ये याद 15-20 दिनों में पहुंच जाएगा इंडिया में। अंदाजा लगाओ अभी इंडिया के पास 750-750 टन है, और अगर 200 फिर अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा। तो ये वजह थी पता है कि ये करेंसी को भी स्टेबल रखेगा ना, अगर ये और आता है ना, ये जो थोड़ा बहुत डॉलर है ना ऊपर जा रहा है ना, इसको भी नीचे लाएगा, अपनी करेंसी मजबूत करेगा, ज्यादा उस पर ज्यादा नहीं होगी ना, दबाव नहीं होगा अपने दबाव पे, अपने रुपए पे दबाव कम पड़ेगा और डॉलर पे दबाव होगा। ये चीज ये सोने पे होता है, ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है। और भाई मैं कहता हूँ कि बहुत जबरदस्त काम किया यार, मैं कहता हूँ कि दुनिया से और क्या क्या इंडिया को गिफ्ट मिलने वाले, दिवाली करीब आ रही है। ये यार दिवाली वजह कब है पता नहीं यार, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं दिवाली कब आ रही है। आई थिंक इसी मंथ है, इसी मंथ है, तकरीबन इसी मंथ है आई थिंक। सो ये इसी मंथ आने वाली, आई थिंक 20 के ऊपर है कि 20 के नीचे, इसी तरह आस पास की। पिछले साल भी अक्टूबर में थी, आई थिंक अक्टूबर में थी। और जिस तरह भी ये गिफ्ट मिला यूएई ने, मतलब कि यार मैं कहता हूँ कि अब दोस्ती का दावा कर दिया, और मतलब यार इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो गए, नहीं तो कोई देश किसी को दोस्त नहीं देता, ये कहाँ देता है 200 टन मुंह से कहना, मैं मेरे मुंह फंस रहा है कि भाई ये 200 यार, मैं तो पहले 200 किलो होगा, 200 मन हो सकता है, लेकिन 200 टन हुआ जानो। तो यार बताओ कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये आप लोगों को दिवाली का गिफ्ट। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।